उसके जो दिल में आता है मुंह में बोलती जाती है, वो तुम खड़ी सुनती रहती हो। हाँ तो बेटा तुमने सुना नहीं उसकी माँ घर घर जाके हमें किस तरह बदनाम करती फिर रही। हाँ जैसे शीदे की तो बड़ी नेकनामी के किस्से मशहूर है पूरे मोहल्ले में, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटा ये ना भूलो कि मैं एक जवान बेटी की माँ भी हूँ। और तुम ये भी ना भूलो कि तुम एक जवान बेटे की भी माँ हो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता है, मैं सही बात कर रही हूँ। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। एक ही महल्ले में रहते ना तो दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है। ठीक है मैं मानती हूँ वो शीदा अपने करतूतों की वजह से जेल में गया है, तुमने उसको जेल में नहीं भेजा। हाँ ये मलिक साहब से कहकर उसको जेल से रिहाई तो दिला। क्यों भाई हम लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, और वैसे भी हमारा फर्ज बनता है ना। माँ मुझे बताओ सारे फर्ज हम नहीं निभाने। ठीक तुमने तो ये तहिया कर लिया ना कि अपनी माँ की बात तुमने कभी भी नहीं माननी है ना। क्या है भीड़ो ठंडी हो रही है। जी बुलाया आपने। हाँ ये कुछ सैंपल्स आए हुए थे इनविटेशन कार्ड्स के, तुम अपनी पसंद का कोई इसमें से चूज कर लो। मैं चाह रहा था कुछ काम पहले ही निपटा लेते हैं। क्या कोई फंक्शन प्लान कर रहे हैं आप। हाँ मंगनी का है तुम्हारी, उसके बाद शादी। मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। ये मत भूलो कि तुम्हारी बात पक्की हो चुकी है और हम जबान दे चुके हैं। तो आपके लिए मेरी खुशी से ज्यादा अहमियत आपकी जबान रखती है। समझाओ इसे ये रिश्ता हमारे लिए कितना जरूरी है। बेटा तुम्हारे बाबा ने दस्तगीर भाई से तफसीली बात की थी, वो हुरिया की तरफ से माजरत कर रहे थे। मम्मी एक बार माफी मांगने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो वापस नहीं आ जाएगी ना। लेकिन बेटा हुरिया को एहसास है ना अपनी गलती का, तभी तो वो यहाँ आई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा। इससे पहले कि शुकूक रिश्तों को खराब कर दें, हम चाहते हैं कि ये मंगनी हो जाए। नेचर में है शक करना। शादी के बाद रोज यही एपिसोड होगा घर पे, रोज यकीन दिलाऊंगा उसको कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। तुम अपना फायदा देखो और बस। कमोबेश तमाम औरतें एक सी ही होती हैं, उनका काम ही है मर्दों पर शक करना। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, हम औरतें मर्दों के बारे में क्या सोचती हैं आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रहा था ना मैं, सारी औरतें एक सी ही होती हैं, गुजारा तो मर्दों को ही करना पड़ता है। क्या बात है। अरे बख्तू तुझे पता है जो इतना छोटे मलिक साहब है ना कोई नहायत ही शरीफ इंसान है, और इनके साथ ना बड़ी ज्यादती हो गई। वो कैसे। अरे जबरदस्ती उनके सर पे हुई अभी भी सवार हो गई। मैंने खुद मालकानी को फोन पे किसी से बात करते सुना है, दिलावर साहब ये शादी नहीं करना चाहते। और पता है आजकल मेरा जोर का झगड़ा भी हुआ है इनके दरमियान में। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कान लगा के बातें मत सुना कर दूसरों की, और टिको बड़ी बात नहीं है झगड़े होते रहते हैं। नहीं बक्तू तू समझ नहीं रहा, ये झगड़ा कोई ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है। अच्छा तू खुद देख लेना इस दफा ना दिलावर साहब ने शादी से इनकार ही कर देना। उसे आपस की बात है, ये हुलिया बीबी ना मुझे भी नहीं पसंद, गुस्सा तो इनकी नाक पे धरा रहता है, सीधे मुँह वो बात नहीं करती है। और कहाँ हमारे फरिश्ता जैसे दिलावर साहब, और कहाँ ये मगरूर हुलिया बीबी। क्या हो रहा है ये देख नहीं रहा, बख्तू से बातें कर रही हूँ, कोई एतराज। हाँ मुझे एतराज है, ये जो हर वक्त तुम इसके साथ खिखी खिखी करती रहती हो ना इस पे एतराज है। आप ही मेरा हा करो समझी।